भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की है। इसके साथ ही आरबीआई ने बैंकों को ये सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपए के नोट जारी करना बंद कर दें। वहीं आरबीआई के इस फैसले पर समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया सामने आ गई। समाजवादी पार्टी के नेता ने आरबीआई के इस फैसले पर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि इसे बीजेपी सरकार का भ्रष्टाचार कहे या करेंसी नीति की असफलता। सपा के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर लिखा, 2000 रुपए की नोट जारी करने वाली भाजपा सरकार काले धन और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के बहाने बंद करने जा रही है। क्या भाजपा बताएगी कि केंद्र और तमाम प्रदेशों में बीजेपी की ही सरकार है तो इतने कम समय में इतना बड़ा भ्रष्टाचार और काला धन संभव कैसे हुआ? इसे बीजेपी सरकार का भ्रष्टाचार कहे या करेंसी नीति की असफलता। दरअसल आपको बता दें, सपा नेता ने केंद्र की मोदी सरकार पर भारतीय रिजर्व बैंक के 2000 रुपए के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा के बाद जबरदस्त हमला बोला है। सपा नेता ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर ही निशाना साधा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए।